हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। एंड कैसे हो आप लोग गाइस? अभी सुबह उठा था मैं, पापा का कार साफ कराई है, बाथ ली है। अभी मैंने अभी बनाना है मुझे अपना ब्रेकफास्ट। अब थोड़ा सा मैं अपनी हेल्दी डाइट की तरफ आऊंगा, थोड़ा सा फैट लॉस वेट लॉस कुछ भी कहो उसे कम करने की कोशिश करेंगे वेट को। ठीक है गाइस, अभी बनाता हूँ ब्रेकफास्ट, फिर मिलता हूँ उससे। गाइस फाइनली बैक विद द ओट्स। ठीक है, इसमें अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन इजीली है। प्रोटीन 20 से भी ज्यादा है क्योंकि इसमें प्रोटीन पाउडर भी मिक्स किया है, पानी में बनाए ओट्स और ड्राई फ्रूट्स ऊपर। ठीक है गाइस, अभी अपनी मील खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ सबसे। ये है फ्रिज, अभी इसको उठाकर ऑफिस में रखना है कुलदीप भैया के साथ मैंने। तो गाइस ये वाला प्लांट है जो हम कश्मीर से लाए हैं, आई बिलीव अब जल्दी ही ग्रो हो जाएगा। अभी काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, थोड़ी देर वीडियो एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद लंच करेंगे और निकलेंगे जिम के लिए। ठीक है गाइस, चलते हैं। तो गाइस अभी मैं आया था बैंक में, कुछ पापा का काम है, चेक लगाना है और साथ में पापा का कुछ काम है, तो वो मुझे ही करना पड़ेगा अभी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं फिर, थोड़ा काम करके फिर चलता हूँ घर पे, प्री वर्कआउट मील लेके जिम के लिए निकल। गाइस अभी टाइम है प्री वर्कआउट मील लेने का, इसमें लिए मैंने 2 रोटी और साथ में 2 स्पून पीनट बटर फॉर गुड फैट। अभी ये मील ले लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं जिम में। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी निकलने लगा हूँ जिम के लिए और आज हम जाएंगे जिम साइकिल पे। अब साइकिल पे ही जिम जाऊंगा क्योंकि मेरी जिम है 2.5 किलोमीटर दूर, तो लगभग 5 किलोमीटर की साइकिलिंग हो जाएगी हर दिन, कार्डियो की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी आ चुका हूँ जिम में, अभी करना है हमने बैक का और बाइसेप का वर्कआउट। ठीक है गाइस चलते हैं नीचे और करते हैं वर्कआउट। तो गाइस फाइनली वर्कआउट हो चुका है खत्म, बहुत ही अच्छा वर्कआउट हुआ है। ठीक है गाइस अभी चलते हैं घर की तरफ, घर जगह मिलता हूँ। गाइस अभी मैं जिम से आ चुका हूँ और अपनी मील बना ली है। मील में मेरे पास है स्क्रैम्बल्ड एग्स, 4 एग व्हाइट, 1 होल एग, साथ में है प्रोटीन शेक, तो अराउंड 45 ग्राम प्रोटीन मिनिमम बन रही है इसमें। ठीक है गाइस इसे खाता हूँ, उसके बाद देखते क्या करते हैं, पहले से फिनिश कर लेता हूँ। गाइस अभी चल रहा हूँ यार चिकन लेने के लिए, चिकन लेना है डिनर के लिए, और यार मुझे तो भूख अभी से लगने लग गई, लेकिन सारी गेम यहाँ की है, दिमाग से खेलना है बस, तो अभी ज़्यादा कुछ खाऊंगा नहीं, चलते हैं अभी चिकन लेने। चलो गाइस चलते हैं। अपना चिकन, ये अपनी मैरिनेशन। ठीक है चिकन को मैं इसी कुकर में मैरिनेट कर दूंगा, मैं इसी कुकर के अंदर कुक भी कर देता हूँ चिकन को, मतलब इसमें सिर्फ दही, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, नींबू डालता हूँ और कुछ नहीं डालता हूँ इसके अंदर, ना ऑयल ना घी ना कुछ। ठीक है अब इसको बस थोड़ी देर मैरिनेट होने दूंगा, फिर इसे कुक कर लूंगा सीधा डायरेक्ट। ठीक है गाइस अब इसको करता हूँ मैरिनेट, उसके बाद मिलता हूँ। गाइस मम्मी बना रही है नदरू के पकौड़े और ये नदरू हम कश्मीर से लाए थे। खाऊंगा एक ही पीस खाऊंगा, टेस्ट करके जाता हूँ, वैसे अच्छा ही होगा मुझे पता है, बहुत ही बढ़िया है भाई। ठीक है अभी इसके बाद वाटरमेलन काटते हैं, वाटरमेलन लेके आया हूँ मैं। तो गाइस अभी तरबूज काटने लगा हूँ, ठीक है तरबूज काटूंगा अभी और फिर इसको थोड़ा सा खा लूंगा अभी भी क्योंकि मुझे भूख लग रही है, और इवनिंग में चिकन के साथ क्योंकि फाइबर भी बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस अभी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, थोड़ी देर आई थिंक गेम वगैरह खेलूंगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि मैं बोर ना हूँ। बाकी मिलता हूँ आपसे यार डिनर के टाइम, अब मुझे नहीं लग रहा कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है डिनर तक, तो डिनर करते हैं सीधा। ठीक है गाइस चलते हैं। तो गाइज अभी टाइम है डिनर करने का और डिनर में मेरे पास है चिकन ब्रेस्ट जिसपे मैंने पीरी पीरी मसाला ओरिगेनो डाल दिया है, साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल्स वगैरह ले लिए मैंने, साथ में ले लिए वाटरमेलन। कभी भी आप हैवी प्रोटीन वाली चीज या चिकन जिस चीज खा रहे हो, मटन खा रहे हो, उसके साथ आपको वेजिटेबल्स या फ्रूट रखना बहुत जरूरी है ताकि वो आपके डाइजेशन को और एक्सक्रीशन को इजी कर देगा क्योंकि उसके अंदर होता है फाइबर। ठीक है गाइस अभी इसको खाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। गाइज अभी डिनर कर लिया, पेट भर गया है। ठीक है इतना ज्यादा टेस्टी नहीं था मेरे को क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा टेस्टी टेस्टी खाना खाने की आदत पड़ गई है, बट धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि यही डाइट फॉलो कर पाऊँ। ठीक है अगर मैं ये डाइट पूरी प्रॉपर फॉलो कर पाया तो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी रिजल्ट है वो भी आपको बताऊंगा, बाकी अभी तो यार कोशिश करूंगा कि यही डाइट फॉलो कर पाऊँ या ऐसी ही कैलोरीज फॉलो कर पाऊँ।
ठीक है गाइस, बाकी ये था मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना। मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में शाम को 6 बजे। बाय।